नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर पन्ना जिले के अमानगंज से है। यहां पर एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ग्रामीणों ने रोड पर उस महिला का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। काफी देर की जब पुलिस की समझाइश के बाद ही ये जाम खोला गया। जानकारी के मुताबिक गड़ोखर के कन्हैया लाल की बेटी का विवाह सिमरा के राम कुमार दुबे से 25 फरवरी 2019 को हुआ था। इसके बाद राम कुमार दुबे अपनी पत्नी को झारखंड ले गया। मृतका के परिजनों का कहना है कि झारखंड से उनकी बेटी प्रियंका का कुछ दिन पहले फोन आया था कि उसके पति और उसका भांजा दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं और उसको बचा लिया जाए, लेकिन इसके बाद सीधे उसकी मौत की खबर आई। जब पति उसका शव लेकर गांव पहुंचा तो और उसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस की समझाइश के बाद ही जाम खोला जा सका। यही दहेज प्रथा के ले करके मांग करी और फिर वही से मार डालो। नहीं तो कितनी मांग कर रहे थे? क्या कैसे पता चला? वो झारखंड में रहती थी, फोन से पता चला, बेटी ने बताया? हाँ भैया, गई वह महीना खाण पहले तो अमानगंज में रहत रहे, लेवा गए जी जान से मार पी के लाना होता है। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं वो झारखंड में? पंडित आई को जलाओ है, इन्हें गर्दन दबाई और भी खोपड़िया फोरी उखी, तो पीछे हाथ में भी लगो, दांत भी तोड़े इन्हें ना, इनके भनेज ने दो हन्ने उखा मारो है जान से। और इनका सजा मिलो चाहिए साहब, अपराधी का जो है सजा मिले, यही मांग है सरकार से। और 1 लाख रुपया, मोटरसाइकिल, मान लो सब पूरा दहेज मांग रहे थे। जितनी हमारे पास हैसियत दी, हमने फरवरी में शादी करके दे दी। अब हमने कही हमारे पास नहीं। फरवरी में जब आपने शादी की मिश्रा जी, तो कितना पैसा दिया उन लोगों को? उनको 1,21,000। अच्छा अच्छा, सब सामान जी, पूरा सामान। मृतका के गले में फांसी का फंद जो को तो मान लो हाथ से दबाया है गला, उनके गले में सिर में चोट है, बाल पटे, बत्ती पूरी टूटी हुई है, जलाए हुए हैं, जे जे बड़े फोड़ा पड़े हुए हैं उनके। अच्छा, तो सिगरेट के भी दाग पड़े हुए हैं। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।